फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इसराइल पर 5,000 से भी अधिक रॉकेट दागे हैं। फिलिस्तीन आतंकियों ने गाजा पट्टी के रास्ते से इसराइल पर हमला कर दिया और उसकी सीमा में घुस आए। कुछ आतंकी पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके सीमा में दाखिल हो गए और कुछ आतंकी सड़क मार्ग के रास्ते से इसराइल में घुस गए और उन्होंने जिसको देखा उसी को गोली मार दी। अचानक बड़े पैमाने पर हुए इस हमले के बाद इसराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और देश में युद्ध का ऐलान कर दिया। इस दौरान मिडिल ईस्ट में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर स्थिति खराब हो गई है। गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों ने शनिवार को तड़के सुबह हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इसराइल में हजारों की संख्या में रॉकेट दागे और उसके बाद जमीन के रास्ते लगातार हमला करते हुए इसराइल में घुस गए और लगातार गोले दागना शुरू कर दिए। इसराइल में हमास के आतंकी हमले के बाद इसराइल की सेना एक्शन मोड में है। इसराइल की सेना ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट में कहा कि हमास के हमलों के जवाब में उन्होंने गाजा पट्टी पर उसके ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है। आतंकियों ने 20 मिनट में 5,000 से ज्यादा होल दागे। बता दें, इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमास के आतंकी हमले के बाद अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हमास के आतंकियों ने आज सुबह एक गंभीर गलती की और इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसराइल सुरक्षा एजेंसियों के जवान हर स्थान पर दुश्मन से लड़ रहे हैं। मैं इसराइल के सभी नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आह्वान करता हूं और दावा करता हूं कि इसराइल इस युद्ध को जीत लेगा।